हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो रेसिड्यूल टेस्ट मैच था वो समाप्त हो चुका है, और समाप्त होने के बाद क्या कुछ कहा है शानदार तरीके से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी, और साथ ही साथ दोनों ही पारियों में अपने शतकीय पारी के साथ जिस तरीके से अपने इंग्लैंड के प्रशंसकों के दिलों पर जिस तरीके से राज किया है इस खिलाड़ी ने। जी हाँ, हम बात जॉनी ब्रेस्टो की कर रहे हैं, और जॉनी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब शॉर्ट फॉर्म में लगातार इनके नाम की चर्चाएं हो रही हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना शॉर्ट फॉर्म में ही इनका नाम लिया जाए। तो जॉनी की अगर बात की जाए, समझ लीजिए कि जॉनी ब्रेस्टो की ही बात हो रही है, तो जॉनी ने जिस तरीके से पहले पारी में 106 रन और दूसरी पारी में 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेली है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार अब इनके नामों के जो है वो चर्चे हो रहे हैं, और चर्चा होना भी चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि मैच खत्म होने के बाद जॉनी ब्रेस्टो ने क्या कुछ कहा है अपनी पारी को लेकर, और अपने टीम के कॉम्बिनेशन के साथ साथ टीम ने जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला जीता है, क्योंकि इंग्लैंड ने 7 विकेट से मात दी है भारतीय टीम को इस आखिरी जो टेस्ट है, जो रेसिड्यूल टेस्ट मैच है उसमें। तो जॉनी ब्रेस्टो ने कहा है कि देखिए, हम कहीं ना कहीं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, और हमारे साथ जितने भी साथी खिलाड़ी थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और उस बेस्ट का ही नतीजा है कि भारतीय टीम के खिलाफ हमने 7 विकेट से जो है वो जीत हासिल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेस्ट की बात क्यों, तो देखिए इनका जॉनी ब्रेस्टो के का शतक आया, फिर रूट का शतक आया, और जिस तरीके से चौथे और पांचवें दिन दोनों ही दिनों में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जो दूसरी पारी रही वो खास तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी के ऊपर लगातार हावी रही, और इस चीज को कहीं ना कहीं जॉनी ब्रेस्टो ने कहा है कि हमें अच्छा लगा कि हम लगातार डोमिनेट करते रहे पूरे मुकाबले के दौरान, और हमारे प्लेयर्स जो हैं उनमें से सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया मैदान पर, हम इस चीज का लुत्फ उठा रहे थे और हम आनंद ले रहे थे कि किस तरीके से जो है, क्योंकि हम लगातार भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे। तो कुल मिलाकर जॉनी ब्रेस्टो अपने टीम के परफॉर्मेंस से भी खुश है, और साथ ही साथ अपने द्वारा खेले गए इस शानदार पारी को, और कुछ नहीं तो उन्होंने पिछली पारियों का भी जिक्र किया और कहा कि मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहता था, और उसी क्रम में कहीं ना कहीं दोनों ही शतक जो है वो एक यादगार पल के रूप में उनके साथ अब जुड़ चुके हैं। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच हुए इस आखिरी टेस्ट मैच में जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों की खबर ली है जॉनी ब्रेस्टो ने, और 114 रन दूसरी पारी में और पहली पारी में 106 रन की जो ताबड़तोड़ जो बल्लेबाजी की, उसके बाद से कहीं ना कहीं जॉनी जो है वो कहीं ना कहीं सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, और हम भी इसीलिए इनके चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि जॉनी ब्रेस्टो ने मुकाबले के बाद जो भी बातें कही हैं उसे हमने सोचा कि आप तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि शानदार पारी और किसी खिलाड़ी ने खेला है तो उसके पारी का कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो होनी भी चाहिए, और अपने पारी की बदौलत जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के पक्ष में ये मुकाबला खींचा, क्योंकि अगर भारतीय टीम जीतती या फिर ये मुकाबला जो है वो ड्रॉ करा लेती तो कहीं ना कहीं भारतीय खेमे के पास यानी टीम इंडिया ये सीरीज जीत जाती, लेकिन इंग्लैंड ने ये मुकाबला जीतकर सीरीज जो है 2-2 से बराबरी पर लाकर खत्म किया है, और इसके बाद से अपने बल्लेबाजी को लेकर, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर जिस तरीके से खुश मिजाज दिखे जॉनी ब्रेस्टो, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ पारी भी रही है। आपको जॉनी ब्रेस्टो की पारी को लेकर क्या कुछ कहना है, और टीम इंडिया के इस हार का ठिकरा जो है आपको क्या लगता है किसके सर मढ़ने वाला है, क्या गेंदबाजों के सिर मढ़ेगा या फिर बल्लेबाजों के? वो इसलिए क्योंकि बल्लेबाज जो है हमारे दोनों ही पारियों की अगर बात की जाए तो टॉप 5 जो बल्लेबाज हैं उनमें से किसी बल्लेबाज का ना चलना पहली पारी में, और दूसरी पारी में टॉप 5 के बल्लेबाजों में सिर्फ एक चेतेश्वर पुजारा का बल्ला चलना, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को थोड़े बहुत रनों के मामले में पीछा जो है वो छूट गया, और भारतीय टीम अगर 500 या 600 के आसपास तक टारगेट रखती, पहले टारगेट 400-450 तक जाती थी, लेकिन इंग्लैंड टीम जिस तरीके से पहली पारी में 250 से 300 के बीच ही स्कोर कर पाई थी, उससे लगा कि चलिए अगर 400-450 के आसपास अगर रन रह जाता है तो हो सकता है कि भारतीय टीम जो है वो डिफेंड कर ले इस स्कोर को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जॉनी ब्रेस्टो और जिस तरीके से रूट ने शानदार तरीके से शतकीय पारी खेली है, इसके बाद कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए उसमें इंग्लैंड की टीम ने बाजी मारी और भारत के ऊपर 7 विकेट से जीत दर्ज की है। इंग्लैंड की जीत को लेकर और भारतीय टीम के हार को लेकर क्या कुछ कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।